नो आपका सोशल मीडिया या आप गोदी मीडिया सवालों से तो आप गोदी मीडिया लग रहे हो, बट आई डोंट नो। ताड़ना मतलब मारना, ताड़ना मतलब ताड़ना नहीं, ताड़ना मतलब प्रताड़ना करनी किसी भी तरीके से। प्रताड़ना कि ताड़ने का मतलब शिक्षा देना होता है। ओहो, शिक्षा देना। तो कितनी बेटियां शिक्षित करी हैं उन्होंने, हाथ नाक में नकेल और पैरों में भेड़ियां। हमें मत बताओ, मनुष्यों के साथ जो कमजोर वर्ग से हैं, किसी पे मूत देना, किसी गरीब आदिवासी पे पेशाब कर देना, फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर में बहन बेटी की इज्जत जल रही है, हाथरस में बेटी का रेप हो रहा है, दिल्ली गैंग की बेटी का एक शमशान घाट के मंदिर पुजारी ने, शमशान घाट में जो पुजारी बैठा था पंडित ने, उसने रेप किया इनको। हरियाणा डेली पौधे वाले सभी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली को गुरु गोविंद नरवाना की राम राम। तो हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जुड़ी है जो सोशल एक्टिविस्ट भी है और दलित समुदाय या जो बहुजन जो लोग हैं उनको लेकर है, जो लगातार है, जो काम करती है। आज इनसे रूबरू करेंगे, तो मिलाते हैं आपको उस पर्सनैलिटी से। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आपके गले में मंगलसूत्र नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, खाली प्लॉट आप दिख रहे हैं। खाली प्लॉट मैं उन्हीं को दिखूंगी जिनकी सोच सदियों से ऐसी रही है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी है ताड़न के अधिकारी। सॉरी, मैंने ऐसा वर्ड बोला इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। Okay, तो मुझे पता है ये कौन डिकोड कर रहा हूं, ये गंदगी कहां से आ रही है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करे धीरेन्द्र शास्त्री जी, और उन्होंने कहा है लड़कियों को, अगर लड़कियों को हम सुनते नहीं उनको, ठीक है। नहीं नहीं, मैं नहीं सुनती उनको। ये जब यूट्यूब पे वायरल वीडियो होती आई तो हमारे पास भी आई, हम देखते हैं क्योंकि हम अपना कीमती समय जाते हैं, और इस देश का जो असली आतंकवादी है, जो गोदी मीडिया है, जो टीवी चैनल्स हैं, हम उसको नहीं देखते। और रही बात जो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप उनकी बात तो मुझे मत ही बताइए जिनका ये कहना है कि ढोर गवार शूद्र पशुनारी है ताड़न के अधिकारी। तो जो हमें इस देश का नागरिक ही नहीं समझते महिलाओं को, उनके लिए तो यही कहना ताड़ना, कि हम क्या? ताड़ना मतलब मारना, ताड़ना मतलब ताड़ना नहीं, ताड़ना मतलब प्रताड़ना करनी किसी भी तरीके से। प्रताड़ना कि ताड़ने का मतलब शिक्षा देना होता है। ओहो, शिक्षा देना। तो कितनी बेटियां शिक्षित करी हैं उन्होंने, हाथ नाक में नकेल और पैरों में भेड़ियां। हमें मत बताओ, मनुस्मृति के अंदर जो एक महिला की स्थिति लिखी है या जो कि हमें समझ है, अगर इतना होता तो मणिपुर में महिला का वो हाल नहीं हो रहा होता। और जिन्होंने हाल किया है आप मुझे बता दीजिए वो कौन से समाज से हैं। और आप किसी महिला को खाली प्लॉट बता देते हैं, किसी महिला के बारे में आप कोई टिप्पणी कर देते हैं, किसी महिला को अपने वस्त्र सड़कों पर घुमा देते हैं, आए दिन रेप होते हैं। अधिकतर लोग उस पक्ष सत्ता पक्ष के ही क्यों नजर आते हैं जो आज पावर में बैठी है सेंटर में। तो जो मेजॉरिटी है समाज की या जो पावर में है उन्हीं के लोग ऐसी गंदी हरकतें क्यों करें। और उन लोगों के साथ जो कमजोर वर्ग से हैं, किसी पे मूत देना, किसी गरीब आदिवासी पे पेशाब कर देना, अमृतकाल चल रहा है, आपको पता है अमृतकाल चल रहा है, दिख रहा है अमृतकाल चल रहा है। युवा बेरोजगार है जिसमें गरीब और गरीब हो गया, यूनिवर्सिटीज में शिक्षा का निजीकरण हो गया, युवा निकम्मा है, युवा निकम्मा है, रोजगार बहुत है लेकिन युवा निकम्मा है। युवा इसलिए निकम्मा है क्योंकि जो राज कर रहे हैं कुशासन, जो पिशाच राज वहां से चला रहे हैं वहां बैठ के, उसको युवा समझ नहीं पाया क्योंकि वो चलाक बहुत है, उसने सब कुछ सेंट्रलाइज कर लिया, युवा को भड़का दिया, युवा को भड़का दिया और भटका दिया। जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि युवा को मेन मुद्दों से हटा के युवक इतना युवा को प्रताड़ित कर दिया कि आज युवा भूल गया कि उसका असली मुद्दा रोजगार है, धर्म बचाना नहीं है, धर्म बचाने के लिए राय नहीं है, धर्म कहीं नहीं जा रहा, भगवान कहीं भाग के नहीं जा रहा। रोजगार दे तो रहे या कह तो रहे कि पकोड़े बेचना रोजगार है, रोजगार तो है, नाली की गैस से चाय बनाना रोजगार है, ये उनके लिए रोजगार होगा जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया, जिनकी खुद डिग्री का आज दिन तक अस्तित्व नहीं है, कौन सी यूनिवर्सिटी से है, जो खुद फेक है वो दूसरों को बताएंगे। जिनकी HRD मिनिस्टर पहले के कार्यकाल में फेक डिग्री लेके जिन जो 12वीं पास HRD मिनिस्टर बन सकते हैं वो हमें बताएंगे। और उन्होंने युवा को बरगलाया है जानबूझ के, युवाओं को बताया है कि हमें मुसलमान से नफरत करनी चाहिए, मुसलमान अपना राज का कब्जा कर रहे हैं भारत देश पे, हिंदू और हिंदू मुसलमान कर तो रहे हैं देश पे, बिल्कुल किस तरीके से मुसलमान कब्जा कर रहे हैं देश पे, मुसलमान तो कभी बात नहीं करता इस तरीके की नफरत की, जिस तरीके की महान मीडिया है जो देश के प्रति अपना समर्थन कर रही है, इतनी महान मीडिया बता रही है कि मुसलमान से है जो खतरा हिंदू को। तो मीडिया तो वही, तो मैं कहती हूँ कि एक सबसे बड़ा आतंकवादी है, यही टेरर है जो मुंह से आग के गोले आपके बेडरूम में सीधे छोड़ रहा है। आप जिस दिन ये मीडिया देखना बंद कर देंगे उस दिन आप सही रास्ते चलेंगे। तो ये मीडिया और आप जैसे जो सोशल मीडिया, आई डोंट नो आपका सोशल मीडिया या आप गोदी मीडिया सवालों से तो आप गोदी मीडिया लग रहे हो, बट आई डोंट नो। बट अगर आप सोशल मीडिया है, निष्पक्ष है, तो मैं तो लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसे चैनल क्या करता है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया है कौन? देखिए, गोदी मीडिया वो है जिनकी जेबें सुबह सुबह गर्म हो जाती है और उनको बोला जाता है यही बोलना है जो हम लिख के दे रहे हैं। सच बोल रहे हैं वो? हाँ, सच बोल रहे हैं, बिल्कुल वो सच बोल रहे हैं। भारत पूछता है, भारत वो सच हर मुद्दे को बोलते हैं। मणिपुर को जो उन्होंने उजागर किया है, मणिपुर को सोशल मीडिया ने उजागर किया है। अगर मीडिया उजागर करता तो 2 महीने पहले अपनी पीठ आ जाता, वो अपनी पीठ थपथपा रहे, कौन थपथपाएगा सोशल मीडिया? वो अपनी पीठ थपथपाएंगे ना, बिल्कुल करेंगे। वैसे तो उन्होंने एयर स्ट्राइक भी करवा दी थी पाकिस्तान में, जो किसी ने नहीं हुई थी। हाँ, एयर स्ट्राइक हुई थी जो मोदी जी ने लिया था, मोदी जी ने। हमने तो नहीं देखा, हमें तो कुछ कोई कवरेज नहीं दिखाई। तो आप वही चीज है कि जो चीज नहीं है काल्पनिक उनको आपको सच बताना है। हम जैसा पढ़ा लिखा युवा तो नहीं मानता, शायद यही फर्क है।
कि हमारे अंदर जो शिक्षा जाती है ना, तो उससे हम सवाल करते हैं, और हम लोग जो सवाल करते हैं इसीलिए हम टारगेट पे आते हैं। लेकिन हम ढोंकले धोखेबाज गद्दार लोगों से नहीं डरते, क्योंकि हमारे माँ बाप जो थे, हमारे जो ग्रैंडफादर्स हैं, उन्होंने इस देश को बनाने में, देश को बचाने में, आज़ाद कराने में कुर्बानियाँ दी हैं। तो हमारा जो खानदान जिसे कह लो या जो पुश्तें कह लो, उन्होंने खून पसीने से ये देश बनाया। तो उन लोगों का कुछ नहीं जा रहा जो बेईमान है, जो गिद्ध हैं, उनसे हमें परवाह नहीं है वो क्या बकवास करते हैं। हमें देश को बचाना है, हमें युवा को एक साथ करना है, हमें पूरे बहुजन समाज की एक साथ लड़ाई लड़नी है, जिसमें हिंदू, जिसमें इवन कि हम हिंदू को भी ले लेते हैं जो प्रोग्रेसिव थॉट के हैं, जिसमें दलित भाईचारा हो गया, आदिवासी हो गया, जट जाट गुजर भाईचारा हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, ये सारे जो शोषित वर्ग रहे हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, उन सबको एक साथ लेकर चलना है। आपने जो मणिपुर का वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया बड़ा वायरल हुआ है, और दो जो लड़कियां हैं उनको नंगा करके उनकी परेड कराई गई है, उनके साथ बदतमीजी की गई है। आप इस पूरे नजरिए को क्या देखते हैं? और नरेंद्र मोदी जी है, 2 महीने चुप रहे, 2 महीने के बाद जब ये वीडियो वायरल होता है तब वो टोटली 36 सेकंड है जो बयान देते हैं। वो तो फॉर्मेलिटी थी ना, अगर वो जो दिन रात इनकी पार्टी की सिलेंडर के लिए चिल्लाती थी, रोती थी, उसका बयान आना चाहिए। वो चाइल्ड एंड वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर है, उसका बयान आना चाहिए था। तो ये धोखेबाज लोग हैं, इनकी सरकार है, इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक 2 ही MP की सीटें, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको फर्क पड़ता है वहाँ पे जहाँ पे इनकी राजनीति हो, जहाँ पे MPs की सीट अच्छी हो, वहाँ से इनको फर्क पड़ता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता मणिपुर में बहन बेटी की इज्जत जल रही है, हाथरस में बेटी का रेप हो रहा है, दिल्ली गैंड की बेटी का एक शमशान घाट के मंदिर पुजारी ने, शमशान घाट पे जो पुजारी बैठा था पंडित ने, उसने रेप किया। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। अगर फर्क पड़ता होता तो ये साथ देते और उन बेटियों को न्याय मिलता और फास्ट ट्रैक तरीके से कातिल को फांसी मिलती और आज न्याय मिलता परिवार को। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, देश सुरक्षित हाथों में है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब देश सुरक्षित हाथों में होगा, जब इस देश में अखंड भारत का निर्माण होगा, डाइवर्सिटी की बात की जाएगी, सिर्फ एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये देश की खूबसूरती डाइवर्सिटी है। संविधान सब सारे धर्मों को इक्वल राइट देता है, इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी की बात करता है। असली मायने में ये देश तब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, ये देश सबका है। ये देश हिंदुओं का भी है उतना ही जितना मुसलमान सिख ईसाई का है। इस देश में सबको रहना चाहिए, इस देश में एक ही चीज़ का राज होना चाहिए, वो है संविधान का। ये देश संविधान से चलेगा और किसी भी एक धर्म का प्रचार ऐसे नहीं होगा कि मेरा धर्म सबसे ऊपर। सबके धर्म खूबसूरती और सब अपने धर्म में सब खूबसूरत। डॉक्टर ऋतु सिंह, ये मेरा कार्ड है, आप ले लीजिए, आप लगा भी सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये इनका परिचय है, मैं कार्ड दिखा देता हूँ। अब बात करिए, हमने जो हर मुद्दे पे की है, सोशल मीडिया पे जो एक वीडियो वायरल होता है, जो मणिपुर का वीडियो है, उसमें जो 3-4 महिलाओं को जो नंगा करके जो उनके उनकी परेड कराई जाती है, जिसमें से एक जो 56 साल की महिला है और एक जो 48 साल की महिला है, उन्होंने अपना बयान दिया है कि उनके साथ है जो छेड़खानी हुई है, लेकिन रेप नहीं हुआ है। लेकिन जिस लड़की के साथ है, जो 21 साल की वो लड़की है, उसके साथ है जो रेप किया गया है, और जिसमें हजारों की संख्या में जो जिन्होंने परेड किया था उसके साथ छेड़खानी किया था, वो संख्या थी वहाँ पर, लेकिन 21 साल की लड़की के साथ है जो रेप किया जाता है, और उसकी आँख के सामने, उस लड़की की आँख के सामने है जो उसका जो भाई है उसको मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। और ये जो वीडियो है, ये घटना है मणिपुर की, ये 4 मई की है, लेकिन वहाँ पर है सोशल मीडिया है जो, और जो जितनी मीडिया है उस पर रोक लगाई गई है, लेकिन जो 2-3 दिन से है जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल होने के बाद है जो हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो मणिपुर जल रहा था उस बीच भी वह जो कर्नाटका में अपनी रैलियाँ निकाल रहे थे, और फ्रांस के, यूरोप के, अमेरिका के, इंग्लैंड के जो टूर है वो वहाँ पर निकाल रहे थे, लेकिन जब ये वीडियो वायरल होता है उसके बाद है जो उनका 36 सेकंड का जो एक बयान जारी होता है, जिसमें वो कहते हैं कि मेरा दिल है जो बड़ा दुखी है ऐसी घटनाओं को देख के, लेकिन उसमें भी लोगों का कहना है कि राजनीति की जो बयानबाजी है जो नरेंद्र मोदी जी ने की है, क्योंकि उसमें सबसे पहले उन्होंने नाम लिया राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, फिर मणिपुर का नाम लिया, यानी कि जो राजनीतिक स्टंट है वो कहीं ना कहीं उसमें जो देखने को मिली है नरेंद्र मोदी की जी की जो राजनीति है। और लोगों का कहना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दो महीने से है जो मणिपुर जल रहा है, लेकिन ये अपनी रैलियां निकाल रहे थे कर्नाटक में, और ये अपने जो बाहर विदेश के जो टूर लगा रहे थे, तो ये एक जो बड़ी विफलता है नरेंद्र मोदी सरकार की, जो डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, जो भाजपा की सरकार है, और वीरेन सिंह है जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, एक बार तो उन्होंने ड्रामेबाजी से जो इस्तीफा देने की जो बात कही थी, मीडिया में बहुत उछला था इस बारे में, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। क्या आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर है? क्या वीरेन सिंह को जो इस्तीफा दे देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को जो
प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है ये, हमारे जो देश के ही हमारे घर की घटना है। मणिपुर कोई दूसरा विदेश नहीं है, हमारे ही भारत की जो मणिपुर स्टेट है, तो वहाँ पर एक वीडियो वायरल होता है, दिल को चोड़ने वाला होता है, किसी महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, फिर उसके साथ रेप किया जाता है उसकी आंखों के सामने। एक बार सोचिएगा आप कि एक महिला के सामने उसको भाई को मारा जाता है और फिर उसका रेप किया जाता है, और एक नहीं दो नहीं चार नहीं सैकड़ों जो बंदों ने जो उसके साथ है रेप किया है। सोचिएगा एक बार अगर हमारे साथ ऐसा होता, मारने वाली तो वो भी हमारे साथ ही है, लेकिन हमारे घर की महिलाओं के साथ अगर ऐसा होता, एक इतनी बड़ी भीड़ उसको लेकर निकल रही है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा ऐसा हम फील कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, हमारी बहन है उसके साथ उसको नंगा घुमाया जा रहा है, उसके सामने उसको भाई को मार दिया जाता है, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो रैलियाँ निकाल रहे थे कर्नाटक में, जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो कहते हैं महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, और फिर बयानबाजी आती है तो राजनीति की बयानबाजी आती है। सोचिएगा इस पूरे मुद्दे पे, अपनी राय जुड़ दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे निडर पत्रकारिता को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसे फेसबुक पर देखकर पेज को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।